वीडियो इसलिए बनाने लग रहा हूँ कि 7-8 लाख रुपए का प्रोजेक्ट आम किसान अगर 1.5 लाख रुपए में लेवे है, बाकी सरकार को भाई हम भरांगे देसी भाषा में सब्सिडी कह लो, तो आम किसान जो गरीब किसान है उसके हाथ में स्कीम जानी चाहिए। शक्ति कंपनी का एक ही टारगेट है ताकि किसानों को दिक्कत ना हो, उनकी बिजाई सही समय पर हो। 20 दिन में हमने 3000 सेट लगा दिए हरियाणा में, 8000 कंपनी ने टोटल निकाले हैं। तो डेली के कितने ट्रक इधर से निकल जाते हैं? डेली के 25 ट्रक निकलते हैं। हमारा टारगेट है कि 150 से 200 पंप हम रोज निकाले, तभी हम हमारा टारगेट अचीव कर पाएंगे। ये के हैं इतने बड़े बड़े लोहे के जुगाड़ी, ये काम है। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर होता है, नहीं, सोलर पंप स्ट्रक्चर होता है ये सारा। एसेसरीज देखो आप, ये सारा स्ट्रक्चर है, वो HDPE पाइप्स है। ऐसा तो नहीं कभी किसी और चीज का प्रोजेक्ट दिखा दो? नहीं सर, ये सारा सोलर पंप का स्ट्रक्चर कहलाता है। और ये है शक्ति पंप, ये योजना है, PM कुसुम स्कीम है। इस टाइप का अगर कोई भाई काम ही करना चाहे, हाँ। भाई वो सोचा मी शक्ति पंप से जुड़ जाए, वहाँ हम भी लोग खेत में ला दे, वहाँ हमारी भी थोड़ी दिहाड़ी मजदूरी कट जावे। देखिए जगदीप भाई, जो भी भाई इस चीज में ट्रेंड हो, जो इंजीनियर काम कर रहे हैं इसमें भी एक अलग ITI किया हुआ होना चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, वो साथी हमसे संपर्क कर सकता है, शिव एंटरप्राइजेज हमारी फर्म। लेकिन किसान के लिए ये तो समस्या है ना कि भाई वो घर से यहाँ आएगा और फिर बटन दबाए। इसके लिए भी हमारी टेक्नोलॉजी है रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, किसान घर बैठे मोबाइल से इसे ऑपरेट कर सकता है। चालू तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। इस टाइम भाई हिसार में हूँ और हिसार की एक ऐसी फैक्ट्री लगभग 350 मीटर लंबी है, यूं मतलब 1 किलोमीटर का 1/3 हिस्सा, और इसके अंदर माल भर रखा है। यो देखियो भाई, लोहे इतने रखे हैं, ये पाइप रखी है, ये चुगरदे आज सारे इस मैदान में घुमांगे जो सीन के है। इस बात अंदाजा लगा इसको, 14 नोजल चले एक साथ, इससे 14 नोजल हाँ एक साथ चला है, और इसमें आप 18-20 तक चला सकते हैं। मतलब इतनी ताकत है, शक्ति की शक्ति देखो आप, शक्ति पंप में इतनी शक्ति है, 20 नोजल एक साथ चला सकता है, और किसी कंपनियों की ऐसी नहीं है, आप अन्य कंपनियों का जाके देख सकते हैं। चलो हा? मेरा एक कड़वा सा सवाल है जनाब आपसे। जी जी जी। सवाल यो है, ईब तो खैर धूप है, आगे सर्दी आ जाऊंगी, सर्दी में धूप के बिना ये कितना एनर्जी देंगी? ये धूप के बिना भी चलता है, कम धूप में भी चलता है, ये पानी देगा आपको। अच्छा, कम धूप में भी चलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि धूप नहीं है तो ही तो हाँ, कम धूप में भी चलता है। अच्छा, जो भी हाँ कर सकता है, लेकिन पानी थोड़ा कम कर सकता है धूप के जरिए, लेकिन पानी देता रहेगा। अब 14 चल रही है, 10 चल जाएगी, लेकिन नोजल चलती रहेगी, जमींदार की रुकेगी नहीं। थोड़ा बहुत प्रेशर कम हो सकता है और अपना पैनल चलता रहेगा, प्रॉपर काम करता रहेगा। गवर्नमेंट ने अब की बार अच्छी क्वालिटी के पैनल दिए है, बड़े पैनल दिए, और जो कम धूप में काम करते है मोनोक्रिस्टल, वो पैनल आए हुए है गवर्नमेंट की तरफ से, पैनल की ओर से, और बहुत बढ़िया सेटअप है। और ये जो शक्ति का पंप है, ये दूसरों पंप की अपेक्षा 40% ज्यादा डिस्चार्ज देता है। मैं बताना चाहूंगा, हमारा इन हाउस प्रोडक्शन है शक्ति पंप का, हम 120 देश में मटेरियल सप्लाई करते हैं, 120 देश में हमारा पंप सप्लाई होता है। 120 देश में स्टेनलेस स्टील पंप बनाते हैं, दुनिया की नंबर वन सबसे पहली कंपनी है जो स्टेनलेस स्टील पंप बनाती है, शक्ति पंप। कई बार यूं सुनने में आवा, इस पंप का अगर कोई भी पोर्शन खराब होगा, कोई भी पुर्जा खराब होगा, तो कंपनी ये कहेगी भाई आप उससे ठीक करा लो, उससे ठीक करा लो, ये हमारे से नहीं बना हुआ। नहीं सर, ये जैसे 5 साल तक की जिम्मेदारी हमारी शक्ति पंप की है, हम किसान को सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। एक हमारा टोल फ्री नंबर होता है 1800-103-55-55, एकदम सरल माध्यम है, किसान इस पे कंप्लेंट करता है, कंप्लेंट जनरेट होती है, और 24 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर अंदर इंजीनियर उन्हें कांटेक्ट करता है और कंप्लेंट रिजॉल्व होती है। यहाँ पर अगर कोई चीज खराब होगी उसका ठीक कराने का पैसा तो नहीं लोगे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी पैसा नहीं, फ्री है, कॉस्ट फ्री है, फ्री। अभी इसको गारंटी वारंटी मिल जाता हो आप? 5 साल तक कुछ नहीं, सारी चीजें ओके मिलेगी। इसमें चोरी की भी इसकी वारंटी है, चोरी का भी इसमें कवर हो रहा है। अगर चोरी हो जाए तो? चोरी हो जाए तो उसको भी हमने इंश्योरेंस कवर दिया हुआ है। नॉर्मल FIR दर्ज करे वो और कंप्लेंट करे शक्ति टोल फ्री नंबर पर। आंधी में ये उखड़ गया, फट गया, उसका भी इंश्योरेंस है भाई साहब। आंधी में भी अगर टूट गया फूट गया उसका भी इंश्योरेंस है कंपनी की तरफ से, 5 साल तक का। पूरे भिवानी में हमारे 2 सर्विस सेंटर है, और हमारा ये प्रयास है कि हर एक ब्लॉक में हम सर्विस सेंटर बनाए भिवानी के। जी,
आपके दिमाग कोई सवाल हो जो इनसे पूछना हो। हमें तो ये पूछना जी तड़के कोई समस्या आ जाए तो लो लोवासी सिस्टम हो तो हम उठा ले जाओ, जब दूर हो गया तो मार दे पर समस्या होगी। देखो ये बात है कितने उठा के ले जाना है, आपने 1800 103 55 55 नंबर बता दिया ना, एक कंट्रोलर के साइड में लिखा हुआ है आपको बताया था, और आपका हर एक के मोबाइल में आपका मैसेज आया हुआ है कंपनी की ओर से, आप उसके ऊपर मैसेज करो या कंप्लेंट दर्ज करो, 24 से 48 घंटे के अंदर आपका निवारण होगा। आज फोन करोगे तो कल ना आएंगे, कहीं भी इसको उठा के नहीं ले जाना है, कहीं भी आपने दुखी नहीं होना है, उठा के ले जाओगे कोई प्रॉफिट नहीं है, वो यहाँ पे आओगा अपना खुद प्रोडक्ट दूसरा लेके आओगा, कंट्रोलर दिक्कत है दूसरा कंट्रोलर लगा देगा, ये आपका कंट्रोलर ले जाएगा, हाथों हाथ निवारण होगा इसका। कई बार क्या होता है जो ये वायर है या कुछ और है वो कोई चोर काट गया या कोई और समस्या होगी, चोरी कर गया तो समाधान? तो भी समाधान है सर, इंश्योरेंस। हाँ जी, इंश्योरेंस में सारी चीजें कवर है। इंश्योरेंस में कई बार होगी जी 10 कागज आगे जा रहे हैं 10 दिन बाद आऊंगे क्लेम, ऐसा कुछ नहीं, सरकार ने काफी अच्छी सुविधा दे रखी किसानों को, हर एक चीज की गाइडलाइन फिक्स है, हरियाणा जो हरियाणा सरकार है उसके तरफ से हरियाणा डिपार्टमेंट है, हर एक चीज की गाइडलाइन फिक्स है, टेंडर में सारी चीजें दी हुई है। देखो अभी ये है किसान है जी, ये तो बोले आदमी, तो आप तो सवाल भी नहीं पूछ सकते, आप तो चश्मा लगा के टाइम लाइट लगा के आगे ये तो पूछे यार क्या पूछा तुम्हे बात है जी, हाँ ये है तो उनके दिल में थोड़ी सी चिंता है। ये है देश का पंप शक्ति पंप, मैं कहना चाहूंगा बार बार हम इन किसानों की जरूरतों को समझते हैं, इसी के अनुसार काम करते हैं, सरकार को हम फीडबैक देते हैं कि नहीं ये जरूरत है किसान की, कोई भी पॉलिसी हो प्रोडक्ट हो क्या इम्प्रूवमेंट करना है क्या नहीं है, ये सारी चीजें। इसके साथ कोई बैटरी अटैच भी है क्या? नहीं जी कोई बैटरी अटैच नहीं है, डायरेक्ट सूर्य से चलता है, डायरेक्ट इस टाइम चल सूर्य की ऊर्जा आई इसके ऊपर धूप पड़ी और इसने ऊर्जा बनाई, मोटर चली और पानी चले। लेकिन किसान के लिए ये तो समस्या है ना कि भाई वो घर से यहाँ आएगा और फिर बटन दबाए, इसके लिए भी हमारी टेक्नोलॉजी है रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, किसान घर बैठे मोबाइल से इसे ऑपरेट कर सकता है, चालू बंद कर सकता है, किसान का पेट्रोल बचेगा, पैसा बचेगा, समय बचेगा, समय बचेगा। अब उसमें भी चल सकती है क्या जी? ना जी लाइट तो इसमें इस्तेमाल नहीं करनी, नहीं करनी की कौन जी ACDC बताऊं ये कौन है? सोलर से चलेगी, आप मोबाइल से चला, मोबाइल भी कौन हो गया जी इसमें, जमींदार के लिए चैनल भी कौन हो गया, मतलब सामने रह जाए तो यह समस्या है। अब रोशनी अगर इनको एक दो बल्ब जलाना है तो क्या करें? नहीं इसके लिए सरकार कार्यरत है, सरकार की योजना है, इसका एक घटक है कंपोनेंट सी, उसमें इसको क्लब करने की वो सरकार की अगली प्लानिंग है, आगे की प्लानिंग है, हमने हमारा सबमिशन दिया हुआ है, किसानों की जो जरूरत है उसको हमने सबमिट किया हुआ है, किसान जिम्मेवारी है पानी चलाना। हाँ जी है ना, देखो जी किसान यूं भी कहो भाई आटा के हमने चाबी बनानी है, वो नू नहीं नू गड़बड़ हो जाएगी, मोटो मोटो चानू हो जाए या मोबाइल हो तो वो चार्ज हो जाए, बस इतना ही चाहिए और जमींदार के घर धीरे धीरे पंखे में भी आओगे फिर तो चाबी बनाओगे आटा बने, मतलब कहने का मतलब है वो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये आपका पानी जरूर चला देंगे, ये 18-20 20 हिला रखे हैं, ये दिखाइए भाई साइड घुमा के, जूम इन जूम आउट करके दिखा भाई, आप ये देखने लग रहे हो भाई ये 18-20 लग रहे हैं ये प्रेशर से, अरे इससे ये चलेंगे भाई, ये सारी फिटिंग है पाइप वाइप सब 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 कंपनी का है, 1.5 लाख। हाँ जी सारा का सारा 1.5 लाख, खुदाई वगैरह सब किसान को बोर करके देना रहता है। अच्छा बोर करके उसकी सफाई करके दे, बाकी सारी चीज कंपनी पानी निकाल के देगी, आपकी पाइप होगी आपका ये होगा। हाँ जी हाँ जी, और कुछ बताना चाहोगे? जिसमें स्प्रिंकलर चला रहे हैं किसान के स्कोप में आती है, हम आउटपुट डिस्चार्ज निकाल के दे देते हैं, फिर किसान अपना स्प्रिंकलर लगा के और सिंचाई करते हैं। इतनी खतरनाक भाषा तो मैं नहीं समझ रहा, वो कहाँ से समझेंगे? नहीं काफी सरल सिस्टम है, किसान इसका जो है रखरखाव है बहुत ही सरल है, किसान सुबह शाम इसे साफ कर सकता है, जब धूप कम रहे तो ही इसे सफाई करनी है। सफाई कैसे होगी? जब धूप कम रहे लगाते होगे उसको बताते तो? हाँ जी सारी ट्रेनिंग दी जाती है, एक यूजर मैनुअल होता है हमारा वो हम देते हैं, एक टोल फ्री नंबर है हमारा, सारी चीजें उनको प्रोवाइड की जाती है, एक ट्रेनिंग देते हैं तो हम किसान को। भाई किसानों को लेके बात, एक बात और राहुल जी आपसे पूछ लो, ये तो किसानों के लिए है तो आपने खैर बढ़िया काम रखा है सरकार ने। अब जो करीबी नीली नीली टी शर्ट पहने खड़े हैं, बिल्कुल इस टाइप का अगर कोई भाई काम ही करना चाहे भाई, वो सोचा हम भी शक्ति पंप से जुड़ जाए, वहाँ हम भी लोग खेत में ला दे, हमारी भी थोड़ी दिहाड़ी मजदूरी कट जाए। देखिए जगदीप भाई, जो भी भाई इस चीज में ट्रेंड हो,
जो इंजीनियर काम कर रहे हैं इसमें भी एक अलग आईटीआई किया हुआ होना चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, वो साथी हमसे संपर्क कर सकता है। शिव एंटरप्राइजेज हमारी फर्म है, हम काम भिवानी जिले का, हमारे पास आगे और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको भी हम रोजगार देंगे हमारी तरफ से। और आज का जो माध्यम है आपको बुलाने का और ये सब करने का, वो एक ही उद्देश्य है कि हरियाणा के किसानों को मैं कहना चाहूँगा, मैं मुंडवाड़ से जिला पार्षद भी हूँ, राहुल मेरा नाम है, एक ही बात कहूँगा कि जब भी आप पोर्टल पर ऑनलाइन करवाएं तो उस पर सबसे ऊपर शक्ति पंप का ऑप्शन भरे, क्योंकि शक्ति एक ऐसी कंपनी है जो सबसे पहले किसानों को सुविधा देती है। अन्य कंपनियां 3 महीने बाद लगाने आएंगी, तब तक आपके यहाँ बिजाई भी रह चुकी होगी, अगर बिजाई आपने कर ली तो गेहूं की फसल खराब होगी, उसको वो छड़ेंगे, देशी भाषा में कहूँ उसको खराब कर देंगे। तो भाई साहब यही प्रार्थना, शक्ति पंप देश की शक्ति, इसको चुनो और खेत में हरा भरा हरियाली लाओ। जी क्या बात है, डायलॉग अच्छा है, शक्ति पंप देश की शक्ति और किसानों को शक्ति देगी, होप सो। और बाकी भाई देखो आज इनकी बड़ाई करने लग रहे हैं, कल ने अगर किसानों ने कोई समस्या हुई तो शक्ति पंप के खिलाफ जाओगे, क्योंकि मैं किसानों के साथ हूँ। एक बात और है। जी भाई आज यो पंप इस गांव में 24 पंप हमने 3 दिन में लगा दिए, आप पर टाइम हो तो आप इशार चलियो हमारे गल्ला है। और 200 करोड़ रुपए का माल शक्ति पंप ने जो सारा मटेरियल लाकर रख रखा है, 3 महीने का सरकार ने टाइम दिया, 20 दिन हुए हैं, आने वाले 20 दिन में कोशिश रहोगे 8,000 पंप लगा के किसानों को दे दिया जाए, ताकि किसान 3,000 पंप लगा चुके, हाँ 5,000 पंप और हाँ, उनकी कोशिश है 20 दिन में ही लगाने की सारा मटेरियल, अपने आप पहले पाओ इशार में सारा मटेरियल शक्ति पंप की जो शक्ति कंपनी उसने लाके डाल दिया है, वेंडरों को बोल दिया जल्दी से जल्दी लगाओ और किसानों को पंप चालू कर। भाई राहुल भाई से मुलाकात हुई थी, शक्ति पंप नाम की कंपनी ने ठेका ले रखा है, मतलब कंपनी तो ऐसी स्थाई है, लेकिन जहां तक सुन में है शक्ति पंप एक ऐसी कंपनी है जिसने किसानों के लिए ओके क्या करे, उसने सोलर पंप लगाए हैं। अब इसका मतलब 8,000 पंप लगने हैं हरियाणा के अंदर, 3,000 वे लगा चुके हैं, और यो माल दूर तक आधा मतलब एक तिहाई किलोमीटर तक नुए पड़ा है, यू लगभग 500 के नेड़े यहाँ पे जो इस सामान की देख रेख रखे हैं, और जो डी ग्रुप मान लो नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे भाई इसकी देखरेख में, सरकारी नहीं है प्राइवेट है, कदे सोच लो सरकारी है, मतलब 500 लोग इस सारे सामान की देखभाल कर रहे हैं। हरियाणा का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट किसानों को लेके ये है। अब मैं थोड़ा सा नीचा जाऊँ खुद का बच गया, मैं सोचा कदे रिटैक लेना पड़ जाओ, तो राहुल भाई अपने के लिए है। भाई साहब राम राम। राम राम जगदीप भाई। जगदीप भाई ई बापी आए थे गंगाड़ा गांव में, तो लोहारू हलकत है भिवानी जिला, तो मैंने आपती एक बात कही थी कि आप चलो इशार में तलवंडी गांव में जी। आप आड़े देखोगे लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए का माल यहाँ शक्ति कंपनी ने एक साथ स्टॉक बना दिया, उसका एक कारण है भाई साहब, क्योंकि आने वाले समय में किसानों की बिजाई होनी है, और जिन किसानों ने शक्ति कंपनी के अप्लाई किए हुए हैं सोलर सिस्टम जो कि लगभग 1.5 लाख रुपए भरने और 6 लाख रुपए का ये सामान लगभग लग जाता है, बाकी सरकार सब्सिडी दे रही है, शक्ति कंपनी का एक ही टारगेट है ताकि किसानों को दिक्कत ना हो, उनकी बिजाई सही समय पर हो। 20 दिन में हमने 3,000 सेट लगा दिए हरियाणा में, 8,000 कंपनी ने टोटल निकाले हैं, शक्ति कंपनी को हरियाणा सरकार ने 8,000 का टारगेट दिया है। आप भिवानी के हो, कदे भिवानी की ज्यादा भाई जी भिवानी के, हाँ देखो मेर तो भिवानी के सदाई लेनी है, लेकिन इस मामले में नहीं ली जा सकती, क्योंकि सरकार ने जितने पास करे हैं किसाना के जी, हमारे को 1200 पंप लगाने भिवानी जिले में जी, उसमें से 400 हमने लगा दिए और आने वाले 20 दिन में 800 और लगा देंगे, इतनी जल्दी काम जो हो रहा है उसका कारण आप ये देख रहे हो यहाँ पे। इंजीनियर साहब हमारे साथ हैं, भाई साहब मैं फिर आपसे मिल लिया, ये क्या है इतने बड़े बड़े लोहे के जुगाड़े, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर होता है, नहीं नहीं सोलर पंप स्ट्रक्चर होता है ये सारा, एसेसरीज देखो आप, ये सारा स्ट्रक्चर है वो एचडीपी पाइप्स है, इधर तो नहीं करे किसी और चीज का प्रोजेक्ट दिखा दो, नहीं 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 सर ये सारा सोलर पंप का स्ट्रक्चर कहलाता है ये। तो भाई देखो सिस्टम तो सारा ही है, क्योंकि इसी से जुगाड़ में देखूं था उसके सारे वो पूरा थमसा खड़ा था भाई साहब। भाई देखो एक ही बात कहना चाहूंगा, वहां भी कहूँ था जगदीप भाई, मैं आपको यहाँ ले आने का एक ही उद्देश्य था, नहीं तो सोलर सिस्टम हमने आपको गंगाड़ा गांव में दिखा दिया था, लगा लगाया चालू हालात में, यहाँ पे लाने का यही उद्देश्य है कि शक्ति कंपनी की दूरदर्शी सोच देखो, जितनी तेजी से हम किसान के लिए काम करेंगे किसान को दिक्कतें नहीं आएंगी, वो अपनी बिजाई समय पर कर देगा, यहाँ पे लाने का आपका एक ही उद्देश्य था कि आपको स्टॉक दिखाया जाए ताकि हरियाणा के किसानों को पता चले
कि वो भविष्य में कितने बड़े स्तर पर शक्ति कंपनी काम कर रही है, जो कि 150 देशों में है, पूरी दुनिया में इनका नेटवर्क है। तो किसानों को एक ही बात कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा शक्ति कंपनी के लिए अपने अप्लाई करें और अपना फायदा उठाएं। भाई साहब ये क्या लोड होने लग रहा है? ये भाई साहब सोलर पैनल कहलाते हैं, ये मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है, ये नई टेक्नोलॉजी के साथ उतरा है। ये जा रहा है भिवानी, जा रहा है भिवानी की गाड़ियां लगी है। अच्छा, मतलब किसानों को जो 3000 आपने लगवाने लग रहे हो उससे अलग ही जान लग रहा है कम? हाँ, उसके अलग जाने का काम जी। तो डेली के कितने ट्रक इधर से निकल जाते हैं? डेली के 25 ट्रक निकलते हैं। हमारा टारगेट है कि 150 से 200 पंप हम रोज निकाले, तभी हम हमारा टारगेट अचीव कर पाएंगे। क्या बात है, 150 से 200 डेली आप निकाले? डेली, रोज के रोज। हाँ जी। अरे अभी 25 से 30 निकल रहे हैं? 25 से 30 निकल रहा है अभी। वैसे जब ये सीएससी सेंटर पे जब आपका ये शक्ति पंप वाला सिस्टम ओपन होगा तो क्या 1-2 दिन पहले हम किसान को? हाँ जी, 2-3 दिन पहले पता चल जाता है, 7-10 दिन का समय देती है सरकार, हरियाणा सरकार जो है। और अभी ऐसा है कि हो सकता है कि 15-20 दिन में पोर्टल खुलेगा, और किसान से निवेदन है कि वो शक्ति पंप का चयन पहले नंबर पर करे, किसी के और बहकावे में ना आए, शक्ति पंप का चयन पहले नंबर पर करे। देखो भाई, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जहाँ तक मैं जब वहाँ से यहाँ तक इनके साथ आया तो समस्या किसानों के साथ ही आती है, वो 1.5 लाख रुपया ऑन द स्पॉट हो नहीं पाता, लेकिन जो मोटे जमींदार हैं वे 1 मिनट में 1.5 लाख रुपये जमा करा और प्रोसेस ये ले हुए हैं। तो जो निम्न स्तर के किसान हैं, जो थोड़े से मध्यम वर्गीय किसान हैं, कहीं से भाई सेटिंग करके 1.5-1 लाख रुपये इकट्ठा कर लो, है ना जी? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल। देखो 1.5 लाख रुपया आप इकट्ठा कर लोगे 10-15 दिन 20 दिन में, जब भी यो ओपन होगा आप अपना पीछा भर के और अप्लाई करवा सको, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। आप सोचोगे भाई आज अप्लाई कर दें, परसों तरसों फीस ना, 12-14 घंटे तक यू मान्य है, इतना आधा देश अप्लाई कर जाए आप नू के नू रह जाओ। तो यार आप खातर पर्सनल मैंने एक स्कीम बता दिया है। डेली के 25-30 ट्रक निकल लग रहे हैं आपके? भाई जी देखो, 25-30 ट्रक निकल रहे हैं लगभग भिवानी के ना भाई जी। अच्छा। भिवानी में हम लगभग डेली के 8 से 10 पैनल हम प्रतिदिन लगा देते हैं। ओके। हमने बताया 20 दिन में हमने 400 के लगभग लगा दिए, कभी 10 कभी 15 कभी 20 हम लगा देते हैं। तो भिवानी में लगभग 3 से 4 ट्रक प्रतिदिन जाते हैं, और जब बहुत तेज सतर पे काम चल रहा है, लोहारू विधानसभा हमने लगभग कम्प्लीट कर दी है, भिवानी खेड़ा तो शाम और भिवानी की तरफ की बारी है। ओके भाई, मैं तो जीनता हूँ जींदाड़े भाई, कितने पीछे रह गए आप। देखो भाई यहाँ पे यो ट्रक भी खड़ा, वो ट्रक भी खड़ा, ये ट्रक लगातार भरण लग रहे हैं, जान लग रहे हैं, भरण लग रहे हैं, जान लग रहे हैं। सच में बहुत बड़े स्तर पर हरियाणा स्तर का, हरियाणा का यो प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री साहब का, और इसके अंदर भूमि का जो मेन निभा रहे हैं वो है शक्ति पंप्स। ये क्या कुछ है भाई साहब डिब्बे में? ये भाई साहब पंप मोटर कंट्रोलर होता है, सोलर पंप मोटर कंट्रोलर है। अच्छा, इसके अंदर है सारा सिस्टम? सारा सिस्टम इसके अंदर ही है कंट्रोल। इसको कोई नुकसान नहीं होता बारिश आगे तो, कोई नुकसान नहीं। ये है जो 40% ज्यादा डिस्चार्ज देता है, ये है देश का पंप शक्ति पंप, जो दूसरे पंपों की अपेक्षा 40% ज्यादा पंप पानी देता है। अच्छा। ये पंप मोटर कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर है, ये पंप मोटर सेट कहलाते हैं हमारे। ये सारा सेटअप लगा हुआ है, इधर गोडाउन में रखे हुए है। ये हमारे सोलर पैनल है, मोनोक्रिस्टलाइन। देखो भाई आपको अंदर दिखा देता हूँ, अंदर आप चलो, इतना बड़ा यो होल था और यो होल भरा पड़ा है। अब जब होल भर गया तो सामान कहाँ रखेंगे? बाहर ही रखा जाएगा। युद्ध स्तर पे काम चल रहा है भाई, यो बिल्कुल युद्ध स्तर पे ये काम चला हुआ है। और ये है शक्ति पंप, ये योजना है, पीएम कुसुम स्कीम है शक्ति पंप की भाई, कुसुम पी एम कुसुम स्कीम है या। और ये देखो भाई सारा माल भरा पड़ा है इनके अंदर है के, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक सिस्टम सा दिक्कत तो है ना भाई, जुड़ा पड़ा है, घना पड़ा सुधा है, कंट्रोलर है भाई, ज्यादा हैवी है, भारी बहुत ज्यादा है। तो भाई जब इसे से गोदाम यहाँ पे 3-4 सारे भरे पड़े हैं, गोदाम से बाहर माल भरा पड़ा है, जब मैंने पूछा यहाँ पे राहुल भाई से, राहुल ने बोला कि भाई जगदीप इतने ही तो ट्रक डेली खाली हुए हैं, बाहर से सामान आवा है कंपनी का और इतने ही ट्रक डेली चले जावे हैं, कितने बड़े स्तर पर काम यो है। मैं वीडियो इसलिए बनाने लग रहा हूँ कि 7-8 लाख रुपए का प्रोजेक्ट आम किसान अगर 1.5 लाख रुपए में लेवे है, बाकी सरकार को भाई हम भरांगे देसी भाषा में सब्सिडी कह लो, तो आम किसान जो गरीब किसान है उसके हाथ में स्कीम जानी चाहिए, नहीं तो नुका कह रहे हैं ऊपर ले ऊपर ले ऊपर ते ले जी हैं इसने।
वीडियो बनाने का फायदा यही है, आप जब सीएससी सेंटर पे जाओगे, जब इसने भरोगे फार्म ने, तो भाई उसे टाइम 1.5 लाख रुपया जमा कराना हुआ है। मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, 1.5 लाख रुपए की बात है और आपके हाथ में 10-15 दिन है, कितिया तो इकट्ठा कर लो और जब भरोगे तो गदड़ दे ही आपका लगेगा, बिजली नहीं लगती, कुछ पानी आओगा, सफाई करना आसान है, कोई लंबा चौड़ा मामला भी नहीं है। कहोगी भाई सर्दिया में भी, जुकरीना ने बताया मेरे से, सर्दिया में भी सूरज आंधा नहीं, जब भी वो सोलर पैनल काम कर रहा है, मतलब बड़े हाई लेवल पे ये प्रोजेक्ट है और सोलर पैनल बड़े स्तर पे, और उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट करके ताकि सूरज भी ना हो तो भी पानी चले, उस प्रोजेक्ट पे ये काम है भाई। और बाकी स्कीम आती रहूंगी भाई, मैं अपडेट देता रहूंगा।